हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो बेसिकली आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ड्रिलिंग मशीन क्या होती है। ड्रिलिंग मशीन के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो ये आप जो देख रहे हैं, इसमें ड्रिलिंग मशीन का जो कंस्ट्रक्शन दिखाया गया है, इसमें कंस्ट्रक्शन दिखाया गया है। इसमें जो हमारा है कि आपको इसके कंपोनेंट के बारे में बताएंगे, ड्रिलिंग मशीन का वर्किंग क्या होता है और कैसे ये वर्क करता है। तो आइए जानते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप अगर ये हमारे वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर और शुरू कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। जैसे आपको ये दिखाया गया पूरे फिगर में, ये हमारा ड्रिलिंग मशीन है। ये ड्रिलिंग मशीन का क्या वर्क होता है, किसी भी वर्क पीस में होल करने के लिए, ठीक है, किसी भी मशीन में होल करने के लिए हम ड्रिलिंग मशीन का यूज़ करते हैं। आइए इसके कंपोनेंट के बारे में जानते हैं। ये हमारा है टेबल जिस पे हमारा वर्क पीस होल्ड किया जाता है। ये हमारा टेबल है जिस पे हमारा वर्क पीस क्या किया जाता है, होल्ड किया जाता है, ठीक है, जिस पे हमारा वर्क पीस क्या किया जाता है, होल्ड किया जाता है। वर्क पीस को होल्ड कर दिए हम। वर्क पीस को होल्ड करने के बाद इसमें हमारा लगा होता है टेबल रोटेशन लॉक। ये जो हमारा होता है टेबल रोटेशन लॉक होता है। एक मिनट, इसको मैं एडिट कर देता हूँ, फिर इसको आपको दिखाता हूँ क्या है, ठीक है। इसमें हमारा टेबल रोटेशन लॉक लगा है ये, ठीक है। ये टेबल रोटेशन लॉक होता है, यानी जैसे हमारे पास कोई ये वर्क पीस हो गया, ये हमारा सर्कुलर है, टेबल है, वर्क टेबल है, इसके ऊपर हम अगर कोई भी से डायमेंशन की, कोई भी शेप की अगर हम लगाते हैं, तो इसमें मान लीजिए हमें वर्क यहाँ होल्ड करना है, वर्क पीस पे यहाँ होल्ड करना है और यहाँ होल्ड करना है, यहाँ होल्ड करना है, ठीक है। अब हमें मान लीजिए मेरा ड्रिलिंग बिट है, ड्रिलिंग बिट बताऊंगा मैं क्या होता है आगे। अगर इस हम इस पॉइंट पे होल करना है हमको इस वर्क पीस में, और यहाँ होल करने के बाद सपोज करिए हमें यहाँ ज़रूरत है किसी भी वर्क पीस में होल करने के लिए, तो क्या करेंगे, क्योंकि हमारा ये जो होता है मशीन की जो ये हेड होती है वो क्या पोर्टेबल तो होती नहीं है, तो क्या करेंगे हम इसी टेबल को क्या करेंगे, रोटेट करा देंगे, और रोटेट कराने के बाद ये पोजीशन यहाँ आ जाएगा तो इसमें हम होल्ड कर लेंगे, और यही जो ले आने के बाद हम अपने वर्क पीस को यहाँ ले आने के बाद इस टेबल रोटेशन लॉक की मदद से क्या करते हैं, इसको लॉक कर देते हैं, जैसे हमारा भी वाइब्रेट ना करे, जो हमारा क्या है वर्क पीस है वाइब्रेट ना करे। अगर वाइब्रेट करेगा तो जो हमारी होल की एक्यूरेसी रहेगी, डायमेंशन रहेगा, वो क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए हम टेबल रोटेशन लॉक का यूज़ करते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं इसमें चक की, ठीक है, चक की बात करते हैं, चक क्या होता है, ठीक है, चक क्या होता है हमारे पास, चक, अब बात करते हैं चक की। चक क्या होता है, आपने देखा होगा लेथ मशीन, आपने तो देखी होगी लेथ मशीन, ये हमारा चक है। चक का जो कंस्ट्रक्शन होता है कुछ इस प्रकार होता है, इसमें ये हमारा चक है, ठीक है। आपने देखा होगा लेथ मशीन में चक या तो 3 जॉ होता है या तो 4 जॉ होता है, यही होता है, ठीक है। इसमें हमारा स्मॉल साइज़ का जो क्या होता है, टूल होल्डर कह सकते हैं या चक कह सकते हैं इसमें, ठीक है। जबकि लेथ मशीन में हम यहाँ वर्क पीस को लगाते हैं और यहाँ हम अपने टूल को होल्ड करेंगे। तो बेसिकली चक का क्या वर्क होता है, टू होल्ड द टूल इन द केस ऑफ ड्रिलिंग मशीन, मतलब ड्रिलिंग मशीन के केस में हम अपने चक में हम अपने टूल को, ड्रिल बिट को, टू यानी ड्रिल बिट को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, ठीक है। तो चक का काम हमारा यही होता है, अपने वर्क पीस को क्या करना, होल्ड करना, ठीक है। अब इसके आइए अगले कंपोनेंट के बारे में जानते हैं क्या होता है, ठीक है। इसमें अगले कंपोनेंट में क्या होता है हमारा, क्वेल। क्वेल कर लीजिए क्या मतलब, क्वेल एक प्रकार का क्या होता है, मतलब स्पिंडल। स्पिंडल जैसे हमारा जो अपने पावर ड्राइव से क्या लिया, क्या नाम है, पावर ड्राइव से लिया आपने मोशन लिया, उस मोशन को किसी के थ्रू, गियर के थ्रू, बेल्ट ड्राइव के थ्रू, चेन के थ्रू पावर ट्रांसमिट कर दिया स्पिंडल पे। स्पिंडल पे ये हमारा स्पिंडल है, स्पिंडल से हमारा चक जुड़ा होता है, ठीक है। स्पिंडल से हमारा चक जुड़ा होता है जो हमारा रोटेट करता है। हेड क्या होता है, हेड में जो हमारा हेड में क्या होता है, इन हेड में हमारा जो होता है कम्बिनेशन होता है किसका, स्पिंडल का, गियर मैकेनिज्म का। ये अगर पावर जो ट्रांसमिट किया जा रहा है स्पिंडल में, या तो वो गियर बेस्ड हो सकता है, या तो वो चेन ड्राइव हो सकता है, या तो वो बेल्ट ड्राइव हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली यही हम 3-4 ड्राइव का यूज़ करते हैं, तो हेड में यही मैकेनिज्म का कम्बिनेशन होता है। इन द केस ऑफ ड्रिलिंग मशीन हम क्या करते हैं,
पुली और बेल्ट का यूज़ करते हैं। पुली हमारा जो बेल्ट होता है हमारा वी शेप का बेल्ट होता है, और क्योंकि वी शेप का बेल्ट इसलिए हम यूज़ करते हैं क्योंकि जब हमारा मैक्सिमम लोड पड़ेगा तो उसको मैक्सिमम लोड के केस में वो हमारा जो बेल्ट हो स्लिप ना कर पाए, ठीक है, बेल्ट को स्लिप ना हो, स्लिपेज से बचाने के लिए हम वी बेल्ट ड्राइव यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हमारा स्पिंडल है, ये पूरी पोजीशन जो आपको दिखाई गई स्पिंडल है, ये हमारा पुली स्पिंडल की पुली है जिस पे हमारा ये पुली जो कनेक्ट है हमारी स्पिंडल से कनेक्ट है, और इस बेल्ट के थ्रू मैं इसको इरेज कर देता हूँ आपको सही से दिखेगा। ठीक है, इस जो हमारा स्पिंडल से पुली जुड़ी हुई है इसी पुली स्पिंडल को पुली को हम एक मीडिएटर पुली से जोड़ देते हैं, और ये मीडिएटर पुली जो हमारा होती है मोटर के पुली से जुड़ी होती है, किसके द्वारा, बेल्ट के द्वारा, कौन से बेल्ट के द्वारा, वी बेल्ट के द्वारा जुड़ी होती है। ठीक है, जब यहाँ से हम मोटर को ऑन करके पावर सप्लाई करेंगे तो ये पहले क्या करेगा, मोटर पुली रोटेट करेगी, मोटर पुली से हमारा बेल्ट कनेक्ट होगा, बेल्ट से हमारा कनेक्ट होगा, ये मीडिएटर पुली में चले जाएगी, और ये मीडिएटर पुली से हमारा एक फिर वी बेल्ट ड्राइव होगा और वी बेल्ट ड्राइव होगा जिसे हम इसके स्पिंडल पे ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें एक इसमें ये साइज इसके साइज जो है वो इनलेस करते जा रहे हैं, यानी घटते हुए क्रम में ले जा रहा है, इसमें क्या है बढ़ते हुए क्रम में ले जा रहे हैं। ठीक है, या जब आपको मैक्सिमम लोड की ज़रूरत होगी, जब आपको मैक्सिमम स्पीड की ज़रूरत होगी तो आप क्या करेंगे, आप सबसे कम खांचे मतलब जो स्लॉट कटी है सबसे एंड वाले स्लॉट में, सबसे छोटे वाले स्लॉट में क्या करें, ड्राइवर को रख देंगे जो हमारा दे रहा है पावर सप्लाई जिसे हम ले रहे हैं, और जिसको हम जो पावर ले रहा है उसके मैक्सिमम क्या कर देंगे, मैक्सिमम वाले स्लॉट में बेल्ट को फिट कर देंगे। उसमें भी यही केस है, देखिए इसमें भी सबसे कम वाले स्लॉट में फिट किया गया है, इसमें भी इसके सबसे अधिकतम वाले स्लॉट में फिक्स किया गया है, तो ये मैक्सिमम पावर ड्राइव के लिए यूज़ किया जाता है इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं कि हमारा स्लिपेज चांसेस जो है कम हो जाए। ये हमारा हैंडल है, क्योंकि जब हम आप किसी भी वर्कपीस पर ड्रिल करेंगे, अगर हम टूल को पास ले आएंगे तो क्या वो होल कर देगा, नहीं, वो अपने सरफेस पे ही स्क्रैच करेगा। जब तक हम उस पर हैंडल के द्वारा या ड्रिल टूल के ऊपर जब तक हम प्रेशर अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो ड्रिल तो कर नहीं पाएगा, इसलिए हम ड्रिल करने के लिए इस हैंडल को हैंडल को जो क्या करते हैं एंटी क्लॉकवाइज जिसको हम घुमाते हैं, क्लॉकवाइज घुमाते हैं उसमें, ठीक है, जिससे प्रेशर अप्लाई करता है, करने के बाद जिससे हमारा वर्कपीस में होल आसानी से हो जाता है। और क्या होता है एलिवेशन क्रैंक का क्या मतलब है, ठीक है, एलिवेशन क्रैंक देखिए जैसे मैं आपको समझाता हूँ, एक मिनट, एलिवेशन क्रैंक क्या होता है, ठीक है, एलिवेशन क्रैंक क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारा वर्कपीस है, ये वर्कपीस है, ठीक, ये वर्क 3D वर्कपीस है हमारा, कौन मान लीजिए, ठीक है वो 3D वर्कपीस है। अब इसमें हमें होल करना है इस सरफेस में हमें होल करना है, ठीक है, इस सरफेस में हमें होल करना है, तो क्या करेंगे, अगर मान लीजिए हमारे पास हमारी इस क्या नाम वर्कपीस की साइज़ क्या है, छोटी है, ठीक है, अब ये हमारे ड्रिल बिट तक नहीं पहुंच पा रहा है, और हमारे पास ड्रिल का बिट का जो साइज़ है वो फिक्स है, ठीक है, ड्रिल बिट का जो साइज़ है वो क्या है, फिक्स है, फिक्स होने के कारण हम इस एलिवेशन क्रैंक का यूज़ करते हैं। जो एलिवेशन क्रैंक होता है वो स्क्रू जैक फिटेड होता है, इसको लूज़ करके हम इसको रेसिप्रोकेट मोशन करा सकते हैं, ठीक है, रेसिप्रोकेट मोशन कराने के बाद इसको हम अपने एक्यूरेट डायमेंशन और उस पर पहुँच सकते हैं, ठीक है, अब इसमें जो आपको दिखाया गया है यही हमारा इसमें था, इसका कंस्ट्रक्शन और इसका वर्किंग प्रिंसिपल था, और इसमें आपको दिखा दिया जाएगा कि इसमें कौन सा रोटेशन हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, ठीक है। ये इसमें जो आपको पीली लाइनें दिखाई दे रही हैं, ये पीली जो लाइन दिखाई दे रही है आपको इसमें जो आपको पीली लाइन जो दिखाया गया है इसमें, वो क्या होता है हमारा अप एंड डाउन स्ट्रोक हमारा है। ऐसे अगर जो पीली वाली लाइन अगर ऐसे है तो हमारा क्या अप एंड डाउन मोशन हो रहा है उसमें, अगर पीली वाली लाइन को ऐसे, ये क्या है हमारा रोटेशन है, देखिए पीली वाली लाइन को क्या दर्शाया गया है, रोटेशन से दर्शाया गया है इसको, यानी डिनोट किया गया है इसको, ठीक है। तो
और इसमें एक हरी वाली लाइन दी गई है, ग्रीन कलर की लाइन दी गई है, और ग्रीन कलर की लाइन क्या दी गई है, रोटेशनल एंड अप एंड डाउन स्ट्रीम, रोटेशन अप एंड डाउन स्ट्रीम है, ठीक है। तो बेसिकली यही हमारे पास क्या नाम है, ड्रिलिंग मशीन की क्या थी, कंस्ट्रक्शन थी, जिसे हम आपको समझा दिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, ठीक है, धन्यवाद।